नमस्कार, ATV न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। सध्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये हा चौथा टप्पा आहे आणि ह्यामध्ये मुस्लिम समाजाचा पवित्र रमजान सुरू आहे। आता चार दिवसांवर मुस्लिम समाजांची ईद येऊन थांबलेली आहे आणि ह्यापूर्वी ईदगाहमध्ये ईदची नमाज पठण होत होती, अदा होत होती। आता सध्या बंद असल्यामुळे की मुस्लिम समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे की नमाज कुठं पठण करावी, कशी पठण करावी। तर ह्यासाठी आपण मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना शाहजान साहेब यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आलेलो आहोत। सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून आपण चर्चा करणार आहोत, प्रश्न विचारणार आहोत। मौलाना साहब, अभी फिलहाल केंद्र शासन ने पूरा देश जो है वो लॉकडाऊन किया है। अभी समझो मंदिर है बंद है, मस्जिद है बंद है, ईदगाह बंद है। अभी चार दिन पे ईद आके रुक चुकी है। अभी ईद की नमाज कैसा और किधर अपन पठन करें? इस ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ताल्लुक़ से जो ईद उल फितर या जुमातुल विदा है, तो इस सूरत में शरीयत ये हुक्म देती है कि अगर लॉकडाउन की सूरत में आप ईदगाह नहीं जा सकते हैं या मस्जिद में जमाबंदी का जो कानून है और फिर धारा 144 तो नाफिज़ है, लिहाजा हुकूमत जो कानून नाफिज़ किए हैं इसके पस मंज़र मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद उल फितर की जगह में लोग अपने अपने घरों में चार रकत नफल नमाज इस अंदाज़ में पढ़े या दो रकत नफल नमाज शुक्राने के तौर पर इस अंदाज़ में अदा करे कि दो रकत या चार रकत नमाज पढ़ने के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदा अगर वो बुलंद कर ले सलाम फिरने के बाद, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे लॉकडाउन की सूरत में या जुमतुल विदा हो तो उसकी जगह में जोहर की नमाज आप पढ़ सकते हैं, तनहा तनहा सुन्नतें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रही बात ईद उल फितर की, तो उसके फ्यूज़ व बरकात से मालामाल होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों में नवाफिल का अहतमाम करें, घर वाले से भी कहें वो भी पढ़ें और आप भी पढ़ें, और सलाम के फौरन बाद आप 34 मरतबा अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद करें। चूँकि ईद उल फितर की नमाज में 6 तकबीरें जायद होती हैं, तो उस 6 तकबीर को तो आप नहीं पढ़ सकते चूँकि आप तनहा तनहा पढ़ेंगे, और ईद की नमाज़ किसी मोहल्ले के गांव में या कोई हाल में भी कायम ना करें, बल्कि ईदगाह में या मस्जिदों में जो नमाज ईद उल फितर अदा हो जाती है उसके बाद नवाफिल का आप एहतमाम करें या चाश्त नमाज जो चार रकत पढ़ी जाती है आप उसका एहतमाम करें, तो उससे ईद उल फितर का सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। तो इसलिए ईदगाह भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिदों में भी आने की ज़रूरत नहीं है, न कहीं भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है आप कायम रहें और शरीयत के हुकूक को भी अदा करें और हुकूमत हिंद ने जो कानून नाफिज किया उसकी भी जो है हुक्म दुलीना करें। उन्होंने सब कि जुमा की नमाज हो या फिर ईद की नमाज हो, इसमें खुतबा होता है जी, तो अभी ईद की नमाज तो ईदगाह में होगी जी, तो बिना खुतबे की नमाज होगी जी? देखिए, खुतबा जहाँ तक बात है तो नमाज जुमा में जो खुतबा जुमा की नमाज से पहले दी जाती है, तो वो खुतबा इंदल हनाफ जो है वाजिब है, और तमाम क्या कह रहे हैं कि मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम जितने भी हैं, हर मकतब फ़िक्र वाले लोग, तो जुमा का खुतबा वाजिब और ईदेन का जो खुतबा नमाज पढ़ने के बाद जो दी जाती है तो वो सुन्नत है। लेकिन जो जमात के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वहाँ खुतबा दिया जाएगा, लेकिन जो लोग ईद उल फितर के दिन जब मस्जिद में नहीं आ सके, ईदगाह में नहीं जा सके, वो घरों में पढ़ रहे हैं, तो उसको खुतबा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ चार रकत चाश्त या चार रकत नफल या दो रकत शुक्राने की नियत से नमाज पढ़ ले और सलाम फेरते ही 34 बार अल्लाह अकबर बुलंद आवाज़ से वो कह ले, तो अल्लाह तबारक तआला तमाम खुतबे के साथ की जो फजीलत है, यानी जो नमाज खुतबे के साथ पढ़ी जाती है, इसी फजीलत तनहा नमाज पढ़ने में भी अल्लाह ने रखा है। इसलिए आप अपने घरों में ही नमाज का अहतमाम करें, ईदगाह में ना जाएँ, जमा यानी भीड़ भाड़ ना करें और एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। जब शरीयत ने आपको ऑप्शन दी है, इजाज़त दी है कि तनहा भी नमाज आप घरों में पढ़ेंगे, तो ईद उल फितर की नमाज या जुमा की नमाज पढ़ने का सवाब आपको अपने घर में मिल रहा है, तो फिर आने का मकसद क्या है? शरीयत ने ऑप्शन दिया है, आपको रोक रहा है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है, नाजुक हालात हैं, इसलिए आप अपने घरों में रहें, महफूज रहें और मस्जिदों में भी ना आए और भीड़ भाड़ भी ना करें, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में गुरबा और मसाकिन का हक अदा करें, सदकात व खैरात करें और मरहूमिन के लिए दुआ मगफरत करें, हिंदुस्तान के हालात के लिए दुआ करें, और ये जो कोरोना वायरस की बीमारी जो पूरे आलम में पूरी दुनिया में फैल रही है, बिलखसूस हिंदुस्तान निवासियों से मैं गुजारिश करूँगा दर्शकों से कि आप भी अपनी इबादतों में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें हमारे पूरे मुल्क के यहाँ के निवासियों को अल्लाह ताला इससे महफूज मामून अता फरमाए। मौलाना साहब, आप ATV में आए, आपके बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शक जो है इनको क्या सलाह देना चाहोगे कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र जैसे मुबारक मसूद दिन में जहाँ रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखे जाते हैं और फिर ईद के दिन जो खुशी होती है साल में एक मरतबा या ईद का त्यौहार आता है, बच्चे भी चाहते हैं कि हम खुशी मनाएं, नए कपड़े पहने, तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा, इस बारे में मशवरा देना चाहूँगा कि आप बाज़ार में भी भीड़ भाड़ ना लगाएं। इस बार ईद की रकम के पैसे जो बच्चों के लिए आप कपड़े खरीदते थे वो गोरवा और मसाकिन में तकसीम कर दें तो ये ईद से बढ़कर सवाब, और अपने बच्चे को अगर उसी पुराने कपड़े में जो धुल धुला करके रेडी करके आपने दिया तो बच्चे को भी समझाना है तो आपके बच्चे भी बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह समझ लेंगे और वो पैसे से गोरबा यतामा मसाकिन की अगर मदद हो जाए तो बेहतर है। बाज़ारों में भीड़ भाड़ से बचें और अपने घरों में रहें, क्योंकि जब तक ये मुकम्मल बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक हमको इससे लड़ते रहना है, तकलीफ़ें झेलनी है, मुसीबतें बर्दाश्त करनी है। दो टाइम की बजाय एक टाइम का खाना मिले तो ये सब्र कर लेना है, लेकिन इस बीमारी से हमें हर हाल में लड़ना है और इस बीमारी को हिंदुस्तान से इंडिया से भगाना है। तर आपण वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मुफ्ती शाहजान साहेब यांच्यासोबत चर्चा केलेली आहे, त्यांनी चांगल्या प्रकारे आपल्याला संबोधित केलेलं आहे की कशा प्रकारे आपण घरामध्ये नमाज पठण करू शकतो किंवा ईदगाहमध्ये न जाता घरामध्ये राहा, सोशल डिस्टन्सिंग मध्ये राहा आणि ह्याच रूलला आपण फॉलो करणार आहोत। आणि मी सर्वांना विनंती करतो एटीव्हीच्या न्यूजच्या माध्यमातून की सर्वांनी घरी राहा, सुरक्षित राहा आणि सर्वांना एटीव्हीच्या वतीने रमजान ईदच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।